फ्रेंड्स, ये है पूजा का घर और यहाँ पर सुबह का टाइम है और सब सोए हुए हैं। इतने में ही यहाँ पर नैना की आँख खुल जाती है। अले, कितनी जल्दी सुबह हो गई है। चलो उठ जाती हूँ मैं, चलो लाजू को भी उठा देती हूँ। लाजू लाजू, उतना सुबह हो गई है लाजू। अले नैना, सुबह हो गई है, चलो हम बाहर खेलने के लिए जाते हैं। अले नहीं लाजू, हम बाहर खेलने के लिए नहीं जा सकते हैं, अभी तो घर में सब सो रहे हैं, अभी सब उठेंगे फिर हम बाहर खेलने के लिए जाएंगे। अरे नहीं नैना, चलो बाहर घूमने के लिए जाते हैं। अरे हाँ लाजो, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, यहाँ पर एक बहुत बड़ा वाटर पार्क है जो नया नया खुला है, हम मम्मी पापा को बोलकर वहाँ पर जाएंगे। चलो फिर मम्मी पापा को उठाते हैं। हाँ हाँ चलो लाजू। और यहाँ पर नैना मम्मी पापा को नींद में से उठाने के लिए कमरे में जाने लगती है। अरे मम्मी पापा जल्दी से नींद में से उठिए ना, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है, उठिए ना पापा, प्लीज उठिए ना पापा। अरे नैना बेटा, सुबह सुबह के टाइम पे क्या हो गया है, तुम क्यों उठा रही हो हमें? अभी तो मेरे ख्याल से सिर्फ 6 ही बज रहे हैं। क्या बात है बेटे, इतनी सुबह सुबह तुम क्यों उठा रही हो हमें? अरे इतनी सुबह सुबह, नैना बेटे क्या हो गया है, तुम इतने सुबह सुबह क्यों उठा रही हो हमें? अरे मम्मी पापा, यहाँ पर एक नया वाटर पार्क खुला है, चलिए ना, हमारे पास राजू और मासी भी आए हुए हैं, चलिए ना हम सब मिलके उस वाटर पार्क में जाएंगे। अरे नैना बेटा, तुम्हारी बात तो बिल्कुल ठीक है, पर इतने सुबह सुबह तुम्हें उठाने की क्या जरूरत थी, हम बाद में भी जा सकते थे। बोले नहीं मम्मा, सुबह सुबह चलिए ना, फिर हम दिन भर वाटर पार्क में एंजॉय करेंगे, जल्दी से उठिए ना मम्मी पापा। चलो फिर जल्दी से रेडी हो जाओ सब, मैं भाई साहब से बात करता हूँ। ये हम तो वाटर पार्क जा रहे हैं, चलो मैं ये बात लाजू को बताती हूँ। अरे लाजू, क्या तुमने सुना, मम्मी पापा मान गए वाटर पार्क जाने के लिए, चलो जल्दी से रेडी हो जाते हैं हम सब। क्या तुम सही कह रही हो नैना, चलो फिर मैं ये बात मम्मी पापा को बताता हूँ। और यहाँ पर नैना और राजू मासी के पास जाने लगते हैं। अरे मम्मी पापा उठिए ना, सुबह हो गई है। अरे मम्मा, हम सब मिलके वाटर पार्क जा रहे हैं। ये बात तुमसे किसने कही राजू बेटा? अरे मम्मा, आंटी और अंकल कह रहे हैं, जल्दी उठिए, हमें रेडी भी होना है और जल्दी से पापा को भी उठाइए। हाँ हाँ ठीक है बेटा, मैं उठाती हूँ तुम्हारे पापा को अभी, तो बहुत ही अच्छी बात है, चलो फिर मैं भी रेडी हो जाती हूँ। अरे भाई क्या बात है, सुबह सुबह के टाइम पर बहुत हल्ला मचा के रखा है माँ बेटे ने। चलिए जल्दी से उठ जाइए, हम वाटर पार्क जा रहे हैं सब। भाई चलो चलो वाटर पार्क, ये तो बहुत ही मजे की बात है, मैं तो रेडी ही हूँ। ने में ही यहाँ पर करण आ जाता है। ए भाई साहब उठिए जल्दी से, हमें वाटर पार्क के लिए जाना है। अच्छे बहुत जिद कर रहे थे, नैना तो सुबह सुबह ही उठ गई थी कि पापा चलो जल्दी वाटर पार्क चलो। अरे हाँ करण, चलो ना चलते हैं। और यहाँ पर सब रेडी हो चुके हैं वाटर पार्क जाने के लिए। नहीं पापा चलिए ना, बहुत ज्यादा लेट हो रहा है, चलिए ना जल्दी से, मुझे तो बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है वाटर पार्क जाने की। मैंने अभी ऑटो रिक्शा को फोन लगाया है, ऑटो रिक्शा वाला अभी आता ही होगा बेटा। पापा पर आप उसको बोलिए जल्दी से आ। हाँ नैना बेटा, ऑटो वाला पहुँचता ही होगा, तुम इतनी जल्दबाजी मत करो, तुम तो रेडी हो चुकी हो ना, फिर हम सब अभी निकल रहे हैं बस। ने में ही यहाँ पर ऑटो रिक्शा आ जाती है। दीदी और भाई साहब जल्दी से चलिए, ऑटो रिक्शा तो आ गई है। हाँ चलो ना पूजा, मैं तो रेडी ही हूँ, चलो फटाफट से ऑटो रिक्शा में बैठ जाते हैं। लाजो जल्दी से चलो, ऑटो रिक्शा आ गई है। यहाँ पर नैना ऑटो रिक्शा में बैठने लगती है। लाजू ऑटो रिक्शा में तो कितना दबके बैठे हैं हम दोनों। और यहाँ पर वाटर पार्क की तरफ ऑटो रिक्शा पहुँच गया है। अरे लाजू लगता है हम वाटर पार्क पहुँच गए हैं, जल्दी से उठ लो। और यहाँ पर सब वाटर पार्क पहुँच गए हैं। अरे वाह मम्मा, ये स्विमिंग पूल तो कितना प्यारा है ना, चलो ना जल्दी से हम पानी के अंदर उतरते हैं। बेटा नैना तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, पर पहले हमें टिकट तो निकालने दो, फिर हम स्विमिंग पूल में उतरेंगे। तो मैं अभी टिकट निकाल कर लाता हूँ। यहाँ पर करण टिकट निकालने के लिए जाने लगता है। अरे मासी और मम्मा जल्दी से इधर आइए ना, देखिए कितनी बड़ी अलाई है। ले लाजो तुमने बिल्कुल ठीक कहा, ये अलाई तो कितनी बड़ी है। कहाँ भाई कहाँ है अलाई? अरे नैना और राजू, ये तो नकली अलाई है। इतने में ही यहाँ पर करण टिकट निकाल कर आ जाता है। तो भाई सब स्विमिंग पूल में मैंने टिकट निकाल लिए है। हाँ नैना बेटा तुम तो बिल्कुल सही कह रही हो, चलो ना मुझे भी यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है, चलिए दीदी जल्दी से चलते हैं। अरे बापले मम्मा, देखिए ना पानी तो कितना शाला है, मुझे तो बहुत ज्यादा डर लग रहा है मम्मा। और यहाँ पर शीतल ऊपर चढ़ जाती है। अरे पूजा देखो, वो है स्विमिंग ट्यूब, चलो मैं लेकर आती हूँ अभी। और यहाँ पर शीतल स्विमिंग ट्यूब लेने लगती है। ये लो नैना और पूजा, मैं तुम्हारे लिए स्विमिंग ट्यूब लाई हूँ। ओ हाँ दीदी, आपने तो बिल्कुल ठीक किया, मैं तो भूल ही गई थी कि हमें इसके लिए स्विमिंग ट्यूब की भी जरूरत पड़ेगी।
आइए दीदी मुझे एक स्विमिंग ट्यूब दे दीजिए। यहाँ पर पूजा स्विमिंग ट्यूब लेने लगती है। लो नैना बेटा, मासी तुम्हारे लिए स्विमिंग ट्यूब लाई है। ले वाह मम्मी, ये तो कितना अच्छा है, क्या इसमें बैठ के मैं स्विमिंग पूल में उतरूंगी? हाँ नैना बेटा, इसे पहनकर स्विमिंग पूल में उतरो, वरना फिर तुम डूब जाओगी पानी में। अरे हाँ मम्मा, आपने तो बिल्कुल ठीक कहा, मुझे तो तैरना भी नहीं आता है। ठीक है नैना बेटा, फिर लो जल्दी से इसे पहन लो। यहाँ पर नैना स्विमिंग ट्यूब को पहन लेती है। अरे मम्मा बताइए ना, मैं कैसी लग रही हूँ? ये मैं लाजू से पूछती हूँ। लाजू बताओ ना, मैं कैसी लग रही हूँ? नैना तुम तो बहुत प्यारी लग रही हो, मुझे भी ऐसा एक चाहिए। बेटा राजू, वो तो सिर्फ एक ही था जो कि मैंने नैना को दे दिया। तुम्हें तो तैरना आता है ना? नैना को तैरना नहीं आता है, इसलिए मैंने उसे ट्यूब दिया है। ठीक है मम्मा, मुझे तो वैसे भी तैरना आता है। तो भाई पहले मैं ही उतर जाता हूँ, ना जाने तुम सबकी बातें कब तक चलेंगी। यहाँ पर करण स्विमिंग पूल में उतरने लगता है। तो भाई पहले स्विमिंग पूल का पानी चेक कर लेता हूँ कितना ठंडा है, पानी तो बहुत ज्यादा ठंडा है। यहाँ पर करण पानी में उतर जाता है। ए भाई करण, अकेले अकेले उतर गए, मुझे तो आवाज भी नहीं लगाई, रुको मैं भी आता हूँ तुम्हारे पास, पानी तो क्या ठंडा है रे। यहाँ पर अर्जुन भी पानी में उतर जाता है। चलो मैं भी पानी में उतर जाती हूँ, तो मैं भी आ रही हूँ। बेटा नैना जल्दी से आओ, यहाँ पर तो बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। रुकिए पापा, मैं यहाँ से खुद ही मालती हूँ। बाप रे मम्मा, पानी तो बहुत ज्यादा ठंडा है, बहुत मजा आ रहा है। मम्मा देखो ना जला, मैं तो कैसे तैर रही हूँ पानी में। अरे लाजू जल्दी से आओ ना, देखो कितना मजा आ रहा है। हाँ नैना मैं भी अभी आ रहा हूँ। और यहाँ पर राजू भी पानी में चले गया है। अरे बच्चों रुको, मैं भी आ रही हूँ। अरे बच्चों तुमने बिल्कुल ठीक कहा, पानी तो बहुत ज्यादा ठंडा है। अरे दीदी मैं तो पानी में नहीं आ रही हूँ, मुझे तो बहुत ज्यादा डर लग रहा है। पूजा डरने की कोई बात नहीं है, एक बार तुम पानी में आ जाओ फिर तुम्हारा डर खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। मैं ही नैना के पास एक बड़ी सी मछली आ जाती है। मम्मा देखो ना मेरे पास कितनी बड़ी मछली आ गई है, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अरे नैना ये तो मछली नहीं है, टॉयज है, तुम तो बहुत डरपोक हो नैना। हाँ रुको बेटे नैना, मैं अभी आती हूँ, तुम्हें मछली से बहुत डर लग रहा है ना, वो अभी आकर मछली को हटाती हूँ। और यहाँ पर पूजा भी पानी में उतर जाती है। तो यहाँ पर सब पानी में एंजॉय कर रहे हैं। तो आज की स्टोरी हमारी यही तक, अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।